तो मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। तो अग्निवीर नेवी एसएसआर एंड एमआर के लिए रक्षक ऐप पर मॉक टेस्ट आ गया है, आप इसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है रक्षक ऐप का, पहले इंस्टॉल कीजिए, वहां पर रजिस्टर कीजिए अपने आप को अच्छे से, और उसके बाद जो है आप वहां पर पहले डेमो टेस्ट लगाइए। वहां पर डेमो टेस्ट भी है आपके नेवी एसएसआर और एमआर के लिए, एक एक टेस्ट फ्री है, उसे लगाइए। आपको लगता है उसे लगाने के बाद कि अच्छा है, आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर लीजिए, नहीं लगता है मत लेना, लेकिन जरूर डेमो टेस्ट लगाओ। और एक और बात बता दो, अगर आपका लेने का मन हो तो यहाँ पर इसकी प्राइस 399 रुपीज है, लेकिन आप हमारा कोड अभी 50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 50 यानी ABHI 50, इसे आपको यूज करना है और सिर्फ 200 रुपए में आपको मिल जाएगा। वहीं पर जब आप ले लेंगे उसके बाद आपने मेरा कोड यूज किया होगा, स्क्रीन शॉट उसका रख लेना, और जो आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7654743543, यहां पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको फ्री महा पीडीएफ भी दे दूंगा। तो जाओ इसे भी जरूर लगाओ, और साथ में बाकी आप तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है ही। और ये टेस्ट सीरीज लेने के बाद आपका आईनेट में तो है ही, उसके बाद स्टेज 2 का भी एग्जाम होना है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए टेस्ट सीरीज को जरूर परचेस करो, बेस्ट टेस्ट सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। लोग आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी एमआर एसएसआर एग्जामिनेशन स्पेशल टॉप 100 करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए, जो कि एग्जामिनेशन में फोर श्योर पूछे जाएंगे आपसे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। यहां पर 100 बोल रहा हूं, बट जीके भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी ऐड कर लें तो 150-200 क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बिकॉज जो मैं बीच में एक्सप्लेन करूंगा ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ चीजें मैंने लिखी नहीं है, क्योंकि कितना लिखेंगे, कितना टाइप करेंगे, उससे बेटर है मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कहीं पे नीड हुई तो। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, इंडियन नेवी एमआर एसएसआर की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, सभी अपडेट्स को पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके टाइम पे। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जाकर के टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां ज्वाइन करना मस्ट है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, 500 लाइक्स की जो है डिमांड है, ये बोलने की होप करता हूं मैं कि आप लोग कर देंगे, बाकी उससे ज्यादा होता है बहुत अच्छी बात है, और शेयर जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले ओलंपिक खेल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ओलंपिक खेलों के बारे में आपको बता देता हूं, तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं ये 796 BC यानी ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए थे, कहां पर, ग्रीस में, और ग्रीस में कहां, ग्रीस में जो है एक ओलंपिया नामक शहर है वहां से, ठीक है। और उसके बाद जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वो 1896 में स्टार्ट हुए एथेंस में, एथेंस ओलंपिक्स के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी जो हाल फिलहाल में हुआ वो 2021 में हुआ था, और ये कहां पर हुआ था, टोक्यो में, यानी कि जापान में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33rd जो है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, और ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां पर 2024 में आयोजित किया जाएगा 33rd समर ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। 34th नंबर जो कि समर ओलंपिक्स यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, ये लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे, कब किए जाएंगे, 2028 में। और बात करें 35th की यानी कि 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन में 2032 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ये हो गए समर ओलंपिक्स हमारे। अब बात कर लेते हैं विंटर ओलंपिक्स यानी कि शीतकालीन ओलंपिक की, तो 24वां शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक्स जो है वो बीजिंग यानी कि चाइना में 2022 में खेला गया, और 25वां शीतकालीन जो ओलंपिक खेल है ये इटली में खेला जाएगा 2026 में, 25th विंटर ओलंपिक्स इटली में होंगे 2026 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां राष्ट्रमंडल खेलों की, राष्ट्रमंडल खेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जरूर पूछे जाएंगे आपसे। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया 2022 में, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में खेला गया, जो कि 22 ही था, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। और राष्ट्रमंडल खेल 23rd जो है विक्टोरिया में, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है, वहां पर खेला जाएगा 2026 के अंदर, ठीक है। चलिए बात करें एशियाई खेलों की, तो एशियन गेम्स जो है वो 19th एशियाई खेल हांगझू चाइना में 2022 में आयोजित किया गया, और 20th जो है एशियाई खेल
नगोया जापान में 2026 में आयोजित होगा 28th एशियन गेम्स। फीफा विश्व कप की, सबसे पहले ये भी ध्यान रखना कि सबसे पहले भारत में आयोजित किया गया था एशियन गेम्स को, भारत की दिल्ली में, ठीक है, भारत की जो राजधानी है, कैपिटल है। फीफा विश्व कप की बात करें, फीफा वर्ल्ड कप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 का आयोजित किया गया दोहा यानी कि कतर में, और ये 2022 में आयोजित किया गया। इसके बारे में ये भी जान लो कि इसके जो विनर, इसीलिए मैंने बोला था ध्यान से देखना, विनर जो कंट्री रही वो कौन सी कंट्री रही, वो कंट्री रही अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना ने पराजित किसे क्या किया, हराया किसे, हराया फ्रांस को, फ्रांस को हराकर फाइनल में अर्जेंटीना ने इस खिताब को अपने नाम किया। 2026 में जो है ये फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप कनाडा में खेला जाएगा, मैक्सिको में खेला जाएगा और यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में खेला जाएगा 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब बात करते हैं आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के बारे में, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया 2022 के अंदर, जिसको कि इंग्लैंड ने जीता और रनर अप रही पाकिस्तान, पाक को हरा करके फाइनल में इंग्लैंड ने इसे जीता। और एक चीज याद रखना कि जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे वो सैम करन, जो कि वहां के ऑलराउंडर हैं, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये 2024 में, ये प्रत्येक दो वर्षों में खेला जाता है, तो 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर, ठीक है। चलिए 2026 के अंदर जो ये खेला जाएगा, ये खेला जाएगा इंडिया और श्रीलंका दोनों होस्ट होंगे इसके, दोनों मेजबानी करेंगे किसके, मेंस T20 वर्ल्ड कप की, क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ये जो है ये 50 ओवर्स का होता है, जिसे हम ODI फॉर्मेट बोलते हैं, वनडे इंटरनेशनल। इस ये जो है 2023 में भारत के अंदर आयोजित होने वाला है, ठीक है। 2027 में जो है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में ये आयोजित किया जाएगा। 2031 में इंडिया एंड बांग्लादेश अगेन इसे होस्ट करेंगे, यानी इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलकर होस्ट करने वाली है, ठीक है। तो ये 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, इससे पहले 2019 का जो हुआ था उसको इंग्लैंड ने जीता था, किसे, न्यूजीलैंड को हरा करके। तो ये भी याद रखना कहां पर हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था। और भारत ने लास्ट टाइम कब जीता था, 2011 के अंदर MS धोनी की कैप्टेंसी में, और उसके पहले एक बार और जीता था भारत ने, वो भी आप लोग याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो जो जीता था वो 1983 में, जिसमें कैप्टन कपिल देव थे, और कपिल देव जो हैं वो बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, उनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है 1983 के ऊपर, और जिसमें कि रणवीर सिंह ने कपिल देव का किरदार निभाया था, ठीक है। इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, कपिल देव को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और एक और क्वेश्चन आता है कि 50 ओवर्स का फाइनल भारत ने कितनी बार खेला है, तो 3 बार खेला है, एक बार 2003 में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी इंडियन टीम, और एक बार 1983 में जिसमें भारत ने जीत लिया था मैच को वेस्ट इंडीज से, और तीसरा जो फाइनल्स था वो 2011 में, जिसको कि भारत ने जीत लिया था श्रीलंका से, ठीक है। चलिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2023 दक्षिण अफ्रीका में अभी होने वाला है फरवरी के अंदर, और 2024 बांग्लादेश में ये आयोजित किया जाएगा 2024 वाला। AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये जो है 2021 बेलग्रेड सर्बिया में हुआ, 2023 ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा, 2025 ओसाका जापान में होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की, 2022 में ये टोक्यो जापान में हुआ, 2023 में कोपेनहेगन यानी डेनमार्क में होगा, और 2026 में भारत में खेला जाएगा। पुरुषों का FIH जो हॉकी विश्व कप अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, कहां पर आयोजित हुआ था, भारत के ओडिशा में, और ओडिशा ने होस्ट करा था इसे। ये कैसे होगा, किस ईयर में होगा, 2023 में, भुवनेश्वर एंड राउरकेला ओडिशा इंडिया, विनर जर्मनी बनी इसकी और रनर अप रही बेल्जियम, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बार इसे जिसने जीता है, यानी कि पुरुषों के फुटबॉल हॉकी वर्ल्ड, सॉरी FIH वर्ल्ड कप को, यानी कि हॉकी वर्ल्ड कप को, वो सबसे ज्यादा बार जीता है पाकिस्तान ने, ठीक है। और 2026 में वेवरे बेल्जियम एंड एम्स्टलवीन नीदरलैंड्स में खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो वन लाइनर्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता, अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को कि जर्मनी ने जीता इसे बेल्जियम को हराकर। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का पांचवा संस्करण कहां हुआ था,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस ध्यान से देखते जाना। तो ये कहां पर हुआ था रिसेंटली? मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस जो है, कुष्ठ रोग दिवस यानी कि लेप्रोसी डे, ये कब मनाया गया? 29 जनवरी को सेलिब्रेट करा गया, ठीक है। हाल ही में अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? अगर आप लोग क्रिकेट को या ये बोलें कि स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो तो ये जरूर आपको पता होगा, यानी कि इंडियन टीम ने, भारत ने इंग्लैंड की अंडर 19 वुमेन्स टीम को हरा करके फाइनल में और इसे जीता था अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल COVID-19 वैक्सीन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेजल COVID-19 वैक्सीन लॉन्च्ड रिसेंटली? इनकोवे किसका नाम है, याद रखना। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर क्या किया गया रिसेंटली? व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ द मुगल गार्डन लोकेटेड इन राष्ट्रपति भवन चेंज्ड? अभी ये फिलहाल हुआ है अमृत उद्यान, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है लेकिन मैंने ऐड कर दिया इसे, अमृत उद्यान इसका नाम किया गया है। उसके बाद बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां शुरू हुई? वेयर हैज द नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस स्टार्टेड रिसेंटली? अहमदाबाद के अंदर ये शुरू हुई है। हाल ही में एयरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां होगा? ये बेंगलुरु के अंदर आयोजित होगा। हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहां किया गया? ये किया गया न्यू दिल्ली के अंदर। उसके बाद बात करें हाल ही में कहां प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? वेयर हैज द फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली? झारखंड में ये किया गया, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट जो कि झारखंड से सटे बिहार का है, बिहार में पहला ऐसा राज्य है जहां पर की जातीय जनगणना, जातिगत यानी कि कास्ट बेस्ड जो सेंसस है वो कराया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया यानी कि डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया गया? 28 जनवरी को ये सेलिब्रेट करा गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो ये जो है ये ज्वाइंट एक्सरसाइज थी वीर गार्जियन 2023 और ये जापान के साथ भारत ने किया। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये आप लोग याद रखिएगा। एक और चीज आपको बता दूं कि जनवरी में 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं किस दिन को? यूथ डे के रूप में। क्यों करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि उसी दिन होती है, ठीक है, याद है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 जनवरी को मनाया गया। बात करें हाल ही में कौन सा देश फाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? और वो करेगा कजाकिस्तान 2023 के अंदर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेटेड? 26th ऑफ जनवरी को ये मनाया गया। हाल ही में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहां मनाया गया? ये नागालैंड के अंदर मनाया गया। हाल ही में नागा, एक और चीज याद रखना, नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो है इंग्लिश, ठीक है। हाल ही में ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? तो वो कौन बने टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाले? ऋषभ पंत, जो कि इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्रिकेट से याद आया, बाबर आजम जो है, बाबर आजम वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाबर आजम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, यानी कि वो रिलेट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली पराक्रम दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड, ध्यान रखना। पराक्रम दिवस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 23 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर, याद रखना। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये चौथे स्थान पर रहा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन वन जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है? ये मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ किया जा रहा है। इजिप्ट के बारे में एक और फैक्ट है, इजिप्ट को नील नदी की देन बोला जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अभी रिसेंटली शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाई और ये सबसे युवा बल्लेबाज बन गए पूरे वर्ल्ड में,
ठीक है, कौन, शुभमन गिल। और शुभमन गिल ने एक और काम किया, इन्होंने तीनों फॉर्मेट में अब शतक लगा दिया है, यानी टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे क्रिकेट जो ओडीआई होता है उसके अंदर भी, और जो T20 क्रिकेट है, T20I होती है, ठीक है, इसके अंदर भी। तो ये भी करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए, कौन, शुभमन गिल। हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? वॉर एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस रिसेंटली। वरुण युद्ध अभ्यास ये शुरू हुआ है। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। चलिए, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया पुष्पा द राइज को। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? पुष्पा द राइज को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? शेरशाह जो आई थी, ठीक है, इसे दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया सर्वश्रेष्ठ का, वो दिया गया शेरशाह को, ठीक है, ये डबल टाइपिंग हो गया, मिस्टेक हो गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया, जैसा मैंने बताया 1983 वर्ल्ड कप के ऊपर ही ये फिल्म है, और इसमें कपिल देव का जो भूमिका निभाई थी वो रणवीर सिंह ने निभाई थी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सैनन को दिया गया। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख जी को भी अवार्ड दिया गया। एक चीज यहां ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं बताता हूं, लेकिन एक बार इसे पूरा क्लियर कर दूं। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म आशा पारेख जी को दिया गया। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया गया, किस मूवी के लिए? शेरशाह के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो दिया गया कियारा आडवाणी को, सेम मूवी यानी शेरशाह के लिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो मैं बोल रहा था कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये दादा साहब फाल्के के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने सबसे पहले मूवी बनाई राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो कि 1913 में रिलीज हुई थी, और ये साइलेंट फिल्म थी, पहली जो फिल्म बनी जो कि साइलेंट नहीं थी, मतलब जिसमें आवाज भी थी, वो 1931 में बनी, आलम आरा उसका नाम हुआ, ठीक है। और इन्हें जन्मदाता भी बोला जाता है दादा साहब फाल्के को, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का, ठीक है। और 1937 में बनी किशन कन्हैया जो कि पहली रंगीन फिल्म थी, और 1954 में बनी झांसी की रानी जो कि पहली पूर्ण रंगीन फिल्म थी, ठीक है। ये सभी फैक्ट्स को भी आप लोग याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये, और इसके बारे में 1969 में ये अवार्ड शुरू हुए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन से? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और 1970 में पहली बार ये दिया गया किसे? देविका रानी जी को। किसको? देविका रानी को दिया गया, याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की, जो कि 68th नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोरारई पोटरू, इसे दिया गया बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तान्हा जी को दिया गया ये अवार्ड, यानी कि बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, तान्हा जी को ये अवार्ड दिया गया। बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो नेशनल अवार्ड्स में, वो दिया गया सूर्या को सोरारई पोटरू के लिए, और अजय देवगन को तान्हा जी के लिए, दोनों ध्यान रखना, बेस्ट एक्टर सूर्या फॉर सोरारई पोटरू एंड अजय देवगन फॉर तान्हा जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली सोरारई पोटरू, ये इन्हें दिया गया इसके लिए। उसके बाद बात करें हम तो हो गया हमारा समाप्त। तो फिलहाल के लिए ये इतने सारे करंट अफेयर्स थे, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे या फिर डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है, ये सभी सवाल आएंगे। अभी फिलहाल में आपको पता है कि जो 2021 में हुए 2020 वाले जो ओलंपिक्स थे जो कि टोक्यो में हुए, और उसमें आपको पता है भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा था, 7 पदक उसमें भारत ने जीता था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिसमें स्वर्ण पदक भी जीता, किसने जीता ये आप लोग जरूर बताइएगा कि किसके द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया। और बाकी जिनको नहीं पता होगा कमेंट सेक्शन को विजिट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, होप आप लोग समझ गए होंगे। वो खिलाड़ी जो है वो भाला फेंक में जीता था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग गेस करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जैसा कि मैंने बोला 500 प्लस लाइक्स जरूर आप लोग कंप्लीट करना, और शेयर भी 500 कर दोगे तो बहुत दूर दूर चला जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जरूर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए एंड तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।